हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, जो वाटर का डिफ्लेक्शन हुआ था विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज स्केल। आपने मुझे आंसर सेंड किए, अब देखते हैं उसका क्या रीजन है। सबसे पहले चलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ, विच इज H2O। आप जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ सभी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो ये बन जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन बन जाएंगे पॉजिटिव। अब जब एक चार्ज स्केल नहीं लेके आए तो वाटर के स्ट्रीम लाइन में वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली अलाइन है। ये देखिए, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर। इस दूसरे मॉलिक्यूल को देखिए, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर। इसको देखिए, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर। तो ये सब वाटर के मॉलिक्यूल रैंडमली अलाइन है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक चार्ज स्केल वाटर के स्ट्रीम लाइन के नियर लेके जाते हैं। देखिए, यहां पे स्केल नेगेटिव चार्ज हो गई क्योंकि हमने सेल क्लोज से रब किया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब आया तो वाटर के हाइड्रोजन के जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सभी हाइड्रोजन इधर अलाइन होंगे। देखिए, और ये बन गया, ये लेयर बन गई पॉजिटिव और ये लेयर बन गई नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव लेयर हाइड्रोजन की इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो जो स्ट्रीम लाइन पहले सीधा चल रही थी वो अब इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि चार्ज इसके नेगेटिव है और आपका हाइड्रोजन जो कि प्लस है नेगेटिव चार्ज स्केल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये स्ट्रीम लाइन ऐसे ना फ्लो होते हुए स्केल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि ये स्ट्रीम लाइन वाटर की क्यों चार्ज स्केल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। थैंक यू।